कॉनीफायरस फॉरेस्ट फर्स्ट दनीफायरस फॉरेस्ट देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनीफायरस फॉरेस्ट फर्स्ट ऐ कफरस फॉरेस्ट स्टूडेंट्स अगर हम कॉनीफॉरस फॉरेस्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो अर्थ के बैप के ऊपर अगर हम देखें तो जो बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर टुंडरा इको है जहाँ से टुंडरा इको ख़त्म होगा उससे आगे हमारे पास जब वो कॉनीफायरस फॉरेस्ट जब वो स्टार्ट हो जाएंगे यानी अगर हम ये कहते हैं कि कैनेडा और रशिया के बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर जो वो टंडरा इको मौजूद है तो जैसे ही उसी सिस्टम में ट्ड्रा से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास जब वो कॉनीफेरेस फॉरेस्ट जब वो स्टार्ट हो जाते हैं इसी तरह से अल्पाइन रीजन जो है वो हाइट के ऊपर जैसे हमने बात की करते हैं कि जो बिल्कुल टॉप के ऊपर माउंटेंस के ऊपर जहाँ स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर तो रहती है टेन मंथ्स के लिए रहती है वो टुंड्रा इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जहाँ ट्रीज़ मौजूद नहीं है लेकिन उसी हाइट से जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो कॉनिफेरस इको सिस्टम जब उसको रिप्रेजेंट करेगा या फॉरेस्ट इको सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर बेसिकली दिस द पार्ट बायोम आर दिस द इको सिस्टम विच इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाई द कॉनिफेरस ट्रीज तो कोनीफर्स जो है वो उसको क्या करते हैं रिप्रजेंट करते हैं कॉनीफर्स जो हैं दे आर हैविंग कॉन शेप फ्रूट्स एंड दे आर हैव नीडल शेप लीव्स तो कोनीफेरस फोरेस्ट जो है वो कॉनीफरस ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो आमतौर पर जो सीड्स होते हैं वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स के प्रोड्यूस होते हैं इस वजह से हम लोग को कॉनीफेरस कहते हैं और इस तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है दे आर हैव दे आर हैविंग निडे लाइक ट्री इसका लीव्स जो हैं तो लीव्स जो होते हैं निडे लाइक होते हैं दे आर एवरग्रीन प्लांट्स एवरग्रीन मीन थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं कि वो जो लीव्स होते हैं वो अपने प्लांट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और उसको ग्रीन रखते हैं वो सो द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ कॉनीफरस फॉरेस्ट और कॉनीफरस फॉरेस्ट बायोम या इको सिस्टम कॉनीफरस इको सिस्टम जो है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट करैक्ट्रिस्टिक्स हो सकती हैं फर्स्ट आ क्लाइमेटिक कंडीशन कॉनीफरस फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो टुंड्रा इकोसस्टम से लेस सवियर हैं जैसे टंड्रा इको सिस्टम के अंदर सिक्सटी डेज का जो है वो स्प्रिंग सीजन चलता है जबकि कॉनीफरस फॉरेस्ट के अंदर जो स्प्रिंग सीजन चलेगा इट विल बी वन थर्टी डेज ये ऑलमोस्ट से डबल होगा ये तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं दे आर हैविंग इनफ टाइम टू ग्रो तो इनके पास जो ग्रो करने का ज्यादा टाइम मौजूद है इस ट्राइ के सिस्टम में कोई प्लांट्स नहीं होते हैं ट्रीज नहीं होते हैं जबकि कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर बड़ी ह्यूज या लार्ज साइज जो ट्रीज जो हैं वो मौजूद होते हैं सॉइल कंडीशन द सॉइल ऑफ कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट एस डी कैचर नेचर डी को होती है और इसके अलावा रेलटिवली इनफर्टाइल है इस्टिक क्यों है हुए स्टिक इस इसलिए है कि जब उसके नीडल्स यानी कि उसके लीव्स नीचे गिरेंगे तो उसकी पार्शल डिकम्पोजिशन होगी जिसकी वजह से वो एसिडिटी जो है वो एसडिकवायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा वहाँ अब इनफर्टाइल इसलिए है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्योंकि कोल्ड हैं तो उसकी वजह से जो है वो डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं हो रही है जब डिकम्पोजिशन प्रॉपर नहीं होगी न्यूट्रिय जो है वो प्लांट्स के अंदर तो आ गए हैं लेकिन प्लांट के डीकम्पोज होने से दोबारा वो सॉइल के अंदर नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इट विल रिमेन इनफर्टाइल एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉनिफायरस फॉरेस्ट कॉनिफायरस फॉरेस्ट की अगर हम एवरेज प्रेसिपिटेशन देखें तो इट इज़ अबाउट फोर्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर पर ईयर यानी एक साल में इसकी जब वो प्रेसिपिटेशन जब वो हंड्रेड से फोर्टी uh, से हंड्रेड सेंटीमीटर है अच्छा टंड्रा की नस्बत इसका मतलब कि यहाँ फोर टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली वो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है अब जो प्रेसिपिटेशन है अगेन रेन की फार्म में भी होगी लेकिन ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है वो इन दम ऑफ स्नोफॉल होगी तो यहाँ जाओ स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल की फार्म में जब, जब वो ज़्यादातर जब वो प्रेसिपिटेशन होगी टेम्परेचर ऑफ कॉनीफायरस फॉरेस्ट इको सिस्टम कॉनीफायरस फॉरेस्ट इको सिस्टम का जो टेम्परेचर है इट्स एट एन एवरेज इट इज टेन डिग्री सेंटीग्रेड या टुंड्रा का होता है माइनस टेन जबकि कॉनीफायरस फॉरेस्ट का जो है जो वो सिंपल टेन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा विंटर में यहाँ वेरी कोल्ड वेरी सीवियर कंडीशन होती है इट मे देशर मे बी माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जबकि समर सीजन जो है या स्प्रिंग सीजन जिसको हम बोलते हैं वो इट इज़ या मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन है द टेम्परेचर अबाउट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट लाइफ प्लांट लाइफ जो है इट इज़ डोमिनेटेड बाई द कॉनीफर्स तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज कॉनीफर्स जो है वो पाइंस और अदर जो है वो ट्रीज जो है वो कॉनीफर्स जो है वो दे विल एग्जिस्ट ईयर तो डोमिनेट जो है वो कॉनीफर्स करेंगे इसके अलावा जो ग्रासेस हैं मॉसेस हैं और बाकी प्लांट्स जो यहाँ क्या करेंगे ग्रो करेंगे सो एनिमल लाइफ सो एनिमल लाइफ चूंकि दे हेयर द फॉरेस्ट आर प्रेजेंट तो फॉरेस्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ एनिमल लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मौजूद है सो फ्यू एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट बट दे आर पॉपुलेशन आर वेरी लार्ज तो लार्ज पॉपुलेशन होती हैं लेकिन डायवर्सिटी क्या है इसके अंदर काम हमें मिलेगी अब इसमें से इंपॉटेंट जो कॉनोफोरेस्ट एनिमल्स फॉरेस्ट एनिमल्स हैं दे आर द्नो शू हेयर देन अलाइनिक्स वुल्फ्स देन कैरी बी इज एक्चुअली द रेंडियर दैन द मूज एंड अदर वन आर द एक्चुअली द समर मॉथ यानी सम इंसेक्ट्स देर आल्सो प्रेजेंट इन द समर सीजन ऑफ द ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन वी कैन से ड्यूरिंग द सो हेयर इन दिस डाइग्राम अगर इस डायग्राम में आप देखें तो दिस इज द कोनोफेरेस फोरेस्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंटर सीजन के दौरान क्या होता है कि एक स्नो हैवी स्नो फॉल होगी द स्नो विल कवर दैंड स्नो विल कवर द इवन द ट्रीज दिस डायग्राम इज रिप्रजेंटिंग द स्प्रिंग सीजन और द समर सीजन समर सीज़न के दौरान क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉडरेट हैं दर इज नो स्नो कवर स्नो कवर नहीं है द प्लांट्स दे हैव इनफ टाइम टू ग्रो तो प्लांट्स के पास काफ़ी सारा ग्रो करने, करने का टाइम मौजूद है इवन चूंकि जो कॉनिफॉर फॉरेस्ट एक्सेंट देर एवरग्रीन प्लांट्स तो समाइम ये होता है कि अगर विंटर में भी चंद वीक्स की या चंद डेज़ के लिए अगर वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाए तो दीज प्लाट्स दे कैन स्टार्ट दे आर फ़ोटोसेंथिस प्रोसेस वो फोटोसेंसिस स्टार्ट करेंगे और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो उसको इन्ेंस करेंगे इसमें